मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित पलेरा के समीप 60 नग गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना मिलने पर बजरंग दल की टीम ने रात करीब 2 बजे इस ट्रक को पकड़ा है। इसमें से 60 नग गौवंश बरामद हुआ है। प्रखंड संयोजक राजेंद्र राय ने पलेरा थाना प्रभारी मुकेश शाक्य को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से आरोपियों को हिरासत में लेकर अब कार्यवाही की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे ट्रक को ग्राम गोवा कामधेनु गौशाला में सुरक्षित रख दिया है और प्रशासन से मांग की है कि गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।